हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कशिश मेहंदी वर्ल्ड। आज हम क्लास 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम फिलर एलिमेंट्स ड्रॉ करेंगे अलग अलग टाइप से, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने स्पाइरल्स की डिज़ाइन ड्रॉ करी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने स्पाइरल्स की डिज़ाइन बहुत बार प्रैक्टिस की है, हर क्लासेस में स्पाइरल तो बनाया ही है, तो ये आपके लिए बहुत इजी और बहुत आसान होगा। बट फिलर एलिमेंट्स के लिए इन्हें छोटा छोटा बनाना रहता है, तो अच्छे से और क्लियरिटी से एकदम परफेक्टली प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि ये बहुत अच्छे बन जाए। हम आप देखिए, सर्कल बना के बीच में डॉट बनाना, इससे ना फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखती है और ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पर आते हैं फ्रेंड्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँचे और आप हमारी कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो अब हम सेकेंड एलिमेंट पे सर्कल वाले स्पाइरल ड्रॉ करेंगे। पहले सर्कल बनाना है, फिर स्पाइरल ड्रॉ करना है, फिर सर्कल को बोल्ड करना है। पहले लाइट सर्कल बनाना है, फिर स्पाइरल ड्रॉ करना है, फिर डार्क कर देना उसे। ठीक है फ्रेंड्स, और कमेंट करके भी कहिएगा आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती है और आपको अगली क्लासेस में क्या देखना है। और फ्रेंड्स, आपने अगर हमारी पुरानी क्लासेस नहीं देखी है 1, 2, 3, 4, 5, तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से हमारी क्लासेस समझ में आए। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत सिंपल है, इस पर डॉट बना के उसके ऊपर 3 लाइन ड्रॉ करना है फ्रेंड्स। बहुत सिंपल है ये, स्पाइरल से भी आसान है, सबसे आसान है ये। और ये जब बनता है ना, जब बहुत अच्छा भी लगता है। बस एक डॉट बनाना, उस पर 3 लाइन ड्रॉ करना है फ्रेंड्स। आप चाहे तो 4 लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट 3 ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। अब हम फोर्थ एलिमेंट पे आते फ्रेंड्स। एक सर्कल ड्रॉ करना है और बीच में से एक ड्रॉप निकालनी है। एक सर्कल ड्रॉ करना है, फिर बीच में से एक ड्रॉप निकालना। फ्रेंड्स, हम बहुत फास्ट वीडियो चला रहे हैं क्योंकि हमें एक ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है। हम नेक्स्ट एलिमेंट अगली क्लासेस में सीख लेंगे, बट ये इम्पोर्टेंट है इतना में। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं। ये आड़ी तिरछी लाइनें हैं फ्रेंड्स। इसको बनाने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, बट ज़्यादा भी मुश्किल नहीं आएगी, आसान रहती है। बस आड़ी तिरछी लाइन बनानी रहती है, 4 या फिर 5। मैंने फाइव लाइन्स बनाई है फ्रेंड्स। आप एक और बार प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारी आने वाली वीडियो को आपको सबसे पहले मिले इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी। थैंक यू। एंड फ्रेंड्स, हम इसे पूरा नहीं बना पा रहे क्योंकि हमारी वीडियो फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाते, तो हम इसे भी हाफ में सिखाएंगे, फिर हम नीचे नेक्स्ट एलिमेंट ड्रॉ करेंगे। नीचे हम स्पाइरल वाले हम्स बनाएंगे जो हमने हर क्लासेस में सीखी है और ये आपको आसानी से आ चुकी होगी अब तक। तो फ्रेंड्स, बस इसमें और इस एलिमेंट में और उस एलिमेंट में ये अंतर रहता है कि ये फिलर एलिमेंट्स है, इसलिए ये छोटे छोटे बनते हैं, तो इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ती है। बस फ्रेंड्स, इसमें और उसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं फ्रेंड्स। हमने स्पाइरल ड्रॉ करा, उस पर डबल हम्स वाली लाइंस बनाएंगे, फिर हम कोन को एकदम डार्क चलाते हुए ये वाले डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए, मैंने जूमिंग कर लिया ताकि आपको दिख सके इस टाइप से। ये फिर से हम आपको बता रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम इस पर ना आउटलाइन भी कर सकते हैं, बट मैं आपको बिना आउटलाइन करके सिखा रही हूँ, बट मैं आपको आउटलाइन करके बता देती हूँ क्योंकि है ना, आप बिगनर्स हैं तो आपसे ऐसा हो सकता है चिपक के अच्छी नहीं दिखे, इसलिए मैं सारी अब लाइंस से बना के बताती हूँ। ये भी बहुत अच्छी दिखती है, आप इसे चाहे तो कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम स्पाइरल हम्स को यूज़ करते हैं उस टाइप से। ये डबल हम्स वाली डिज़ाइन है फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियोस बनाने के लिए, प्लीज़। एंड हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एंड बहुत 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 प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।